जाने, देखे और सुने एक मिनट में वो जानकारियाँ जिनसे आप हैं परे। विषय संबंधी भगत सिंह 8 वर्ष की उम्र से भारत की आजादी के बारे में सोचने लगे थे और 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। भगत सिंह के माता पिता ने जब उनकी शादी करवानी चाही तो वो कानपुर चले गए। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि अगर गुलाम भारत में मेरी शादी होगी तो मेरी दुल्हन मौत होगी। इसके बाद वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए थे। भगत सिंह ने अंग्रेजों से कहा था कि फांसी के बदले मुझे गोली मार देनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने इसे नहीं माना। इसका उल्लेख उन्होंने अपने अंतिम पत्र में किया है। इस पत्र में भगत सिंह लिखा था कि चूंकि मुझे युद्ध के दौरान गिरफ्तार किया गया है, इसलिए मेरे लिए फांसी की सजा नहीं हो सकती है, मुझे एक तोप के मुंह में डालकर उड़ा दिया जाए। भगत सिंह ने जेल में 116 दिनों तक उपवास किया था। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान वे अपने सभी काम नियमित रूप से करते थे, जैसे गायन, किताबें पढ़ना, लेखन, प्रतिदिन कोर्ट आना इत्यादि। ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट भगत सिंह की फांसी की निगरानी करने के लिए तैयार नहीं था। वास्तव में निडरता के साथ किया गया उनका यह अंतिम ब्रिटिश साम्राज्यवाद को नीचा दिखाना था। विषय संबंधी जानकारियों को पाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में करें मैसेज और दबाएं बेल आइकन, साथ ही करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब।